नमस्कार, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और वाटरफॉल मॉडल कैसे काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमें बताता है कि डेवलपर को कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो कौन कौन से स्टेप्स उसको फॉलो करने हैं। इसके बेसिकली पाँच फेजेज़ होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, दूसरा डिज़ाइन, तीसरा कोडिंग, देन टेस्टिंग और उसके बाद में मेंटेनेंस। वाटरफॉल मॉडल है जिसे हम क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल भी कहते हैं। वो एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है। लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल इसलिए है क्योंकि इसके जो एक फेज़ का आउटकम है वो दूसरे फेज़ का इनपुट होता है। इसमें हर फेज़ लीनियरली चलेगा, कोई भी पैरेलली फेज़ रन नहीं होगा या फिर वर्क नहीं करेगा। इसके जो वाटरफॉल मॉडल है, इसका ड्रॉबैक ये था कि इसको जब आप काम में लेते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट पहले से क्लियर होनी चाहिए, लेकिन कई बारी सिचुएशन ऐसी आती है कि कस्टमर को कंफर्मेशन नहीं होती कि उसे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उस केस में हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल काम में लेते हैं। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज़ अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिस्टम विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी, लो रिलायबिलिटी एंड इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड प्रोटोटाइप मॉडल इज़ बिफोर गोइंग टू एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर अ प्रोटोटाइप सिस्टम इज बिल्ट। वंस कस्टमर अप्रूव्स प्रोटोटाइप द एक्चुअल सिस्टम इज़ डेवलप्ड। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हम करते क्या हैं, इनिशियली जो कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसकी जो मेन मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, इनिशियल रिक्वायरमेंट उनको लेते हैं। उसके बाद में उसको डिज़ाइन करके एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। उसके बाद में वो प्रोटोटाइप कस्टमर को दिखाते हैं और कस्टमर उसको फिर अपने जो रिक्वायरमेंट्स है और बताता है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स को अपडेट करते हैं। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। और एक बारी जब सारी रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो जाती है, जब वो अप्रूवल दे देता है, तो उसके बाद में हम वाटरफॉल मॉडल की तरह उसको कोडिंग करके, टेस्टिंग करके, देन मेंटेनेंस फेज़ पूरा करके सॉफ्टवेयर को पूरा डिज़ाइन पूरा तैयार करके देते हैं। तो ये डायग्राम है सॉफ्ट प्रोटोटाइपिंग मॉडल का। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनिशियल रिक्वायरमेंट जिसको देख एज ए इनपुट लेते हुए हम डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद में एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। उस प्रोटोटाइप को फिर कस्टमर को दिखाते हैं, कस्टमर इवेलुएट करता है उस प्रोटोटाइप को, और उसके बाद में रिव्यू और अपडेशन का फेज़ आता है। तो ये सर्कल चलता रहता है जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। वंस कस्टमर गेट सेटिस्फाइड, उसके बाद में उसके डेवलपमेंट फेज़ में आते हैं, देन टेस्टिंग और उसके बाद में मेंटेनेंस चलता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोटोटाइपिंग मॉडल वर्क करता है। तो इसके प्रोसेस क्या क्या स्टेप्स हैं, इट स्टार्ट्स विथ अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट, इट कैरी आउट अ क्यूक डिज़ाइन, क्यूक डिज़ाइन फोकसेस ऑन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट विल विजिबल टू कस्टमर, डेवलप्ड प्रोटोटाइप इज सबमिटेड टू कस्टमर फॉर इवेल्युएशन एंड बेस्ड ऑन फीडबैक रिक्वायरमेंट्स आर रिफाइंड, दिस कंटिन्यूज अनटिल यूजर अप्रूव्स प्रोटोटाइप। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। एडवांटेजेस, द प्रोटोटाइपिंग, इन अ प्रोटोटाइपिंग मॉडल द कस्टमर गेट टू सी पार्शियल प्रोडक्ट अर्ली इन लाइफ साइकिल मॉडल, दिस इंश्योर्स अ ग्रेटर लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फिकेशन। क्योंकि हम प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, उसके बाद में कस्टमर को इवेल्युएशन के लिए देते हैं, तो कस्टमर क्या है, इन्वॉल्व रहता है पूरा इसके अंदर, और इससे क्या है, उसे पता रहता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो वो उसमें क्या है कि उसको सेटिस्फिकेशन रह रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ वही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, न्यू रिक्वायरमेंट्स कैन बी इजीली अकोमोडेट एज देयर इज स्कोप फॉर रिफाइनमेंट। जो भी नई रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने देखा वाटरफॉल मॉडल में ये रिस्ट्रिक्शंस था कि आपने एक बार रिक्वायर्ड SRS तैयार कर दिया, उसके बेस पे आगे का पूरे फेजेस चलेंगे। उसमें बैक पीछे आने के लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं था। यहाँ पे क्या, नए रिक्वायरमेंट अगर आती हैं तो वो उनको ऐड किया जा सकता है। एरर कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर, देयर बाय सॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड कॉस्ट। क्योंकि इसमें साथ में बार बार ही रिक्वायरमेंट्स
अपडेट होती रहती हैं, तो एरर को हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर मिस्टेक्स है तो उससे क्या है कि लॉट ऑफ एफर्ट और लॉट ऑफ कॉस्ट सेविंग हो सकता है। ये डेवलप्ड प्रोटोटाइप कैन बी रीयूज बाय डेवलपर इन फ्यूचर। और जो प्रोटोटाइप बार बार जो तैयार किए जाते हैं वो जो डेवलपर है उनको फ्यूचर में भी काम में ले सकता है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, यूज़र में गेट कन्फ्यूज इन प्रोटोटाइप एंड एक्चुअल सिस्टम। जो यूज़र होता है वो कई बार एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और प्रोटोटाइप क्या था उसमें कन्फ्यूज़ हो सकता है। दिस मेथोडोलॉजी में इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, और ये थोड़ा कंपेयर टू वाटरफॉल मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। थैंक यू।